बरेली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ईद की नमाज संपन्न हुई। बरेली में सभी इलाकों में जहां ईद की नमाज संपन्न हुई वहां सुरक्षा व्यवस्था, फर्स्ट एड, पानी, साफ सफाई, बिजली आदि का पूरा इंतजाम पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग व नगर निगम के द्वारा किया गया। ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। आज पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। प्रशासन ने बरेली में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। लोगों ने प्रशासन का भरपूर सहयोग किया। सभी के सहयोग से आज बरेली की सभी जगह पर ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। मैं डॉक्टर सरताज हुसैन, ईदगाह करबला कमेटी का जनरल सेक्रेटरी, सुन्नी सेंट्रल बब बोर्ड रजिस्टर्ड से। आज ईद उल जुहा का दिन है। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों और बरेली वासियों को के लिए मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह यही दिन हमेशा ऐसे ही खुशहाली का दिन हमेशा आता रहे और यहाँ के लोग खुशहाल और हमेशा खुश रहें। आज ईदगाह में जो नमाज अदा कराई गई है, आज खान दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन हज़रत असद मियाँ अधरी मियाँ ने ईदगाह की नमाज 10 बजे अदा कराई और आज उन्होंने कौम के लिए, देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए दुआएं की और खुशहाली और देश में अमन, प्यार, मोहब्बत कायम रहे, ये सब आज दुआओं में कहा। और हम भी यही चाहते हैं कि आज देशवासियों के लिए और हम आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत कायम रहे और किसी तरह की इंतशार पैदा ना हो। हमेशा इसी तरह से हर हमारे देश में जो त्यौहार हैं, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, दशहरा, जो भी त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं वो भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से मनाएं। सब मिलकर एक आपस में मिलजुल कर मनाते हैं और यही परंपरा सदियों से चली आ रही है और यही परंपरा हमेशा चलती रहे, यही हमारी दुआएं। और यह यहाँ की जो परंपरा, हिंदुस्तान की जो आज परंपरा है, वो विदेशों में भी ये मिसाल दी जाती है कि अगर कोई देश है दुनिया में तो वो अमन, शांति का देश, भाईचारे के साथ रहते हैं दुनिया में। और यहीं से हम लोगों का ये बहुत बड़ा प्यार, ये संदेश जाता है कि ये ऐसा मुल्क जिसमें तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के लोग, तरह तरह धर्मों के लोग फिर भी एक समान रहते हैं, ये हमारे लिए देश के, देश से बहुत बड़ा संदेश है और हमारे देश से लोग सीखते हैं इस भाईचारे को। नमाज किसने अदा कराई है? आज नमाज 10 बजे अदा कराई गई और नमाज हमारे दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन हज़रत असद मियाँ अधरी मियाँ ने 10 बजे अदा कराई और उन्होंने दुआए खैर और भाईचारे का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया और खुशहाली का पैगाम दिया और यही हमेशा यहाँ से पैगाम जाता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नज़र हर खबर पर।